पंजाब वेतन आयोग की ओर से डॉक्टरों के वेतन से एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को हटाने और घटाने की सिफारिशों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में 2 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक रही। इस दौरान जिला कांगड़ा में छोटे बड़े तमाम चिकित्सा संस्थाओं में डॉक्टर्स की ओर से अपना कामकाज ठप रखा गया। इस दौरान कांगड़ा में सैकड़ों की संख्या में मरीजों और तामीरदारों को परेशानी हुई। अलग अलग बीमारियों से ग्रसित जो लोग अपने स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल पहुंचे उन्हें ओपीडी तो खुली पाई गई लेकिन खाली कुर्सियां देखकर वे बेहद मायूस हुए। आलम यह है कि अस्पताल के अंदर और बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इतना ही नहीं ओपीडी के बाहर लोग इतना इकट्ठा हो चुके थे कि कोविड प्रोटोकॉल का भी नजरअंदाजी देखी गई। शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भीड़ एक जुलूस की शक्ल में नजर आई। यहां गुस्साए लोगों ने डॉक्टर्स के ना आने पर बेहद नाराजगी जाहिर की और सरकार को इनकी मांगों को जल्द मानने की अपील भी की ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी, क्या नाम है आपका? मनीष राणा। मनीष जी, कहां से आए आप? मैं 32 मील से। अच्छा, क्या करवाने के लिए आया? सर, मैं एक्सरे करवाने के लिए आया था। फिर? अभी सर है नहीं, यहां पे डॉक्टरों का कोई पता नहीं, धूप सेक रहे थे, मैंने बाहर देखा था। अच्छा, हां जी। अभी क्या मतलब परेशान है क्या? जी सर, परेशान ही होगा सर, मैं 9 बजे का आया हूँ, 2 घंटे हो गए। क्या नाम है जी? मेरा नीता राणा सर। कहाँ से आए हैं आप? सर, 32 मिनट से यूनिट से। अच्छा, ये पेशेंट हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है। और मैंने सोचा सुबह सुबह चले जाते हैं, टेस्ट हो जाएगा, भूखे पेट सुबह से बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी 80 साल के बुजुर्ग हैं ये लोग, कहाँ इनको बिठा के रखेंगे? सांस नहीं आ रही अंदर, बाहर लेके बैठे हुए हैं इनको सुबह से। तो इनकी डिमांड तो है, चलो मान लेते हैं, पर आम लोग तो जनता सारी परेशान हो रही है सर। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए लोग, तो इस कोरोना काल में तो बच्चों को हो जाए तो फिर पेशेंट है, बुजुर्ग लोग कहाँ बैठा के रखने थे, तो परेशान हो रहे हैं हम लोग। क्या लगता है डॉक्टर्स की जो मांग है जायज है? हो सकता है जायज होंगे, हमें नहीं पता इसका, इनकी क्या पे है, क्या इनकी डिमांड होंगी। गवर्नमेंट से और भी कोई तरीके हैं, वो वैसे कर सकते हैं वो, पर यहाँ तो जनता पूरी परेशान हो रही है ना। अलग से भी तो कोई ढूंढ सकते हैं, इसका इशू और भी होते हैं, पर ये तो परेशान करने वाली बात है सर। नीता राणा। कहाँ से आए आप? बोर्ड से। ये बच्चे, छोटे से बच्चे लेके आए आपके? सर दरअसल वो मेरे पास की मतलब ऑपरेशन हुआ था ना, तो मतलब गिर गए थे उनको, मतलब और दिक्कत हुई। ठीक है, तो उसके लिए आए थे हम लोग, तो इतना छोटा सा बच्चा ऐसे रह नहीं पाया घर में, है ना, क्योंकि छोटे बता नहीं सकते थे। फिर हम मतलब घर से 8 बजे आए थे, तो अब इतना टाइम हो गया, तो डॉक्टर आ नहीं आ रहे, हम क्या कर सकते। हाँ सर, सर अब उनका मतलब होना ना, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है मैंने ना, इसलिए आए थे। ये पेन डाउन स्ट्राइक जो की है हमने पंजाब मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पे की है, जो पंजाब स्टेट ने अपना पे कमीशन बनाया है, उस पे कमीशन में हमारा एनपीए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो 25% से घटा के 20% कर दिया है, और साथ में इसको बेसिक सैलरी से भी अलग कर दिया है। तो इसमें सभी डॉक्टर्स की जो भी सैलरी है वो भी कम हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली उनको रिकवरी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये पे कमीशन 2016 से रिकमेंड होना है। तभी हमने पंजाब के आह्वान पे हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी। तो बातचीत हो पाई हो तो क्या लगता है क्यों ऐसा किया?